हेलो फ्रेंड्स, हाउ डू यू चल। मैं आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 15 फीट बाई 20 फीट में एक प्लान बना हुआ है जो कि 300 स्क्वायर फीट में होगा। 33 गज में प्लान बना हुआ है। इस हाउस डिज़ाइन से आप 300 से लेकर 350 स्क्वायर फीट तक का आप आइडिया ले सकते हैं। छोटा घर है लेकिन इसकी बहुत अच्छी प्लानिंग की गई है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब इसकी चौड़ाई की बात करें तो आपकी 15 फीट होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 20 फीट की होगी। इस साइड से तो ये हमने मेन गेट इसका प्रोवाइड किया। मेन गेट्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 4.5 फीट का इसका मेन गेट मिलेगा। इसी मेन गेट से एंट्रो दिखाए फिर आपको पार्किंग एरिया मिलेगा। अब इस पार्किंग एरिया की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। इसमें आपके बाइक्स वगैरह इजली पार्क हो जाएगा। प्लस आप अपना सेपरेट टैंक या वाटर टैंक भी आप इस साइड बना पाएंगे, जिसमें अपना वाटर वगैरह स्टोर कर पाएंगे। अब इस साइड से तो ये हमारा स्टेयर्स मिलेगा, जो कि यू शेप स्टेयर्स मिलेगा फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए। अब स्टेयर्स की चौड़ाई की बात करें तो आपकी 5.5 फीट की होगी, जबकि इसकी लंबाई की बात करें तो आपकी 5.5 फीट की होगी। ये हमारा एंट्रेंस गेट होगा, जिसमें हमने 4 फीट के साइड से तो एंट्री लगाई है। अब इस एंट्री से एंट्रो दी गई फिर आपको लॉबी एंड पैसेज मिलेगा, काफ़ी फिर आपको पैसेज मिलेगा। इसके एरिया की बात करें तो आपकी 5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 14 फीट की इसकी लंबाई होगी। ये काफ़ी फिर आपको गैलरी मिलेगी। इसी में अपना डाइनिंग टेबल वगैरह आप इजली एडजस्ट कर पाएंगे, गेस्ट वगैरह के साथ बिठा पाएंगे। इस साइड से तो ये हमारा किचन का गेट होगा, इसमें हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया। इस गेट से एंट्रो दिखाए फिर आपको किचन मिलेगा। अब इस किचन के एरिया की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 6 फीट की इसकी लंबाई होगी। ये आपको इसमें स्लैब, चूल्हे, रैक्स वगैरह आपका इजली एडजस्ट हो जाएगा, सिंक वगैरह। प्लस साइड से तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। किचन से अटैच एक आपको OTS मिलेगा। इस OTS के एरिया की बात करें तो आपकी 4.5 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 2.5 फीट की इसकी लंबाई होगी। अब इस साइड से और ठीक इसी के बराबर में हमें एक और गेट मिलेगा, जो कि हमारे ग्राउंड फ्लोर में मास्टर बेडरूम का गेट होगा। इस गेट से एंट्रो दिखाए फिर आपको मास्टर बेडरूम मिलेगा। इस बेडरूम के एरिया की बात करें तो आपकी 9 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 9 फीट की इसकी लंबाई होगी। इस साइड से तो हमने OTS के द्वारा भी विंडो प्रोवाइड किया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें आपके डबल बेड्स, टेबल्स, LCD वगैरह इजली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड से तो उसका वेंटिलेशन के लिए हमने विंडोज़ भी लगाया, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब बेडरूम से अटैच एक आपको टॉयलेट स्लैश बाथरूम मिलेगा, इसमें हमने 2.5 फीट का गेट प्रोवाइड किया। अब साइड से तो इस गेट से एंट्रो दिखा फिर आपको टॉयलेट स्लैश बाथरूम मिलेगा। इसके एरिया की बात करें तो आपकी 4 फीट की इसकी चौड़ाई होगी, जबकि 5 फीट की इसकी लंबाई। इसमें आपके टॉयलेट सीट, वॉश बेसिन, शावर्स वगैरह इजली एडजस्ट हो जाएगा। प्लस साइड से तो इसका वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने विंडोज़ भी लगाए, जिसके द्वारा प्रॉपर वेंटिलेशन होता रहेगा। इसमें रोशनी और ताज़ा वगैरह भी आती रहेगी। अब इस प्लान के टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो ये प्लान 4 लाख में बनने वाला है, जो कि आप चाहें तो बनवा सकते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।